परवेज इलाही को आज मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। दो मुकदमात में बरी होते ही फिर गिरफ्तार हुए। एंटी करप्शन ने पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों के इल्जाम में हिरासत में लिया। साबिक वजीर आला पंजाब की जानिब से इल्जाम की तरदीद। एंटी करप्शन ने सेक्रेटरी पंजाब असेंबली राय मुमताज हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी जाली भर्तियों का इल्जाम साबित होने के बाद अमल में लाई गई है। तर्जुमान का दावा। आसिफ जरदारी पंजाब के सियासी महाज पर सरगर्म। जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाली 25 शख्सियात की साबिक सदर से मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। जिना हाउस पर हमले में मुलव्वस एक और मुजरिम कानून की गिरफ्त में। पीटीआई वर्कर्स के साथ मिलकर आग लगाई। मंसूबे के मुताबिक कोर कमांडर हाउस पहुंचा और तोड़फोड़ की। शांगला सवाल से ताल्लुक रखने वाला शरपसंद रईस अहमद का इंकशाफ। शोहदा के वालिदैन के जिना हाउस और फौजी तंसीबात के जलाओ घेराव पर इजहार अफसोस। शोहदा की यादगारों को जलाए जाने पर दिल खून के आंसू रोता है। वालिदा कैप्टन बिलाल सलीम शहीद की गुफ्तगू। हमारे प्यारों ने वतन के लिए जाने कुर्बान की। शरपसंदों ने जो किया उस पर बहुत दुख है। वालिद कैप्टन मनानुल हसन शहीद। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दायर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 6 जून को मुकदमा सुनेगा। तुर्की के नौ मुंतखब सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तीसरी मुद्दत के लिए हल्फ उठा लिया। अंकरा में पुरवकार तकरीब। नेटो सेक्रेटरी जनरल वजीर आजम पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं की भी शिरकत। सदारती महल में भी तकरीब। 78 ममालिक से आए मेहमान शरीक। तुर्क सदर ने अपनी नई काबीना का भी ऐलान कर दिया। तमाम पुराने अरकान तब्दील। मोहम्मद शिमशेख वजीर खजाना, हकान फैदान वजीर खारजा नामजद, जौदित यलमाज नायब सदर मुंतखब।